राधे राधे दोस्तों, मैं कृतिका स्वागत करती हूं आप सबका किचन वर्ल्ड बाय कृतिका में। आज मैं जिस पारंपरिक मिठाई की रेसिपी आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूं, वो हमारे ब्रज मथुरा की खास ही नहीं बल्कि यूनिक भी है, जो मथुरा के अलावा कहीं भी, मतलब कहीं भी नहीं मिलेगी। कान्हा जी को माखन कितना पसंद है ये तो पूरा जग जानता है, तो इसी माखन से ब्रजवासियों ने अपने कान्हा के लिए बनाई ये मिठाई, जिसे यहाँ मक्खन संदेश के नाम से जानते हैं। और टेस्ट ऐसा कि दुनिया की सारी मिठाइयाँ एक तरफ और ये मक्खन संदेश एक तरफ। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका टेस्ट कितना सुपर से भी ऊपर का होगा। पर अफसोस, ये पारंपरिक मिठाई अब ब्रज में भी देखने को नहीं मिलती है। कान्हा जी के संग संग ये मिठाई मुझे भी बहुत पसंद है, तो मेरा जब भी मन होता है मैं इस मिठाई को बना लेती हूँ। और आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ इसकी रेसिपी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ब्रज की ये मिठाई घर घर में पहुंचे। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपने किचन में और शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ मैंने 300 से 350 ग्राम फ्रेश वाइट मक्खन लिया है, जिसे मैंने घर में ही निकाला था। अब इसे एक बड़ी बोल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। सबसे पहले अगर आप मक्खन की शेल्फ लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं तो उसे हमेशा फ्रीजर में ही रखें। मैंने भी मक्खन फ्रीज़र में रख रखा था, इसलिए ये जम गया है। मक्खन बहुत जल्द ही मेल्ट होने लगता है। हमारे मक्खन भी अब मेल्ट हो गया है। इसमें हम मिलाएंगे लगभग आधा कटोरी पिसी हुई चीनी और दूध में भीगी हुई केसर। अब इन दोनों को हमें अच्छे से मक्खन के संग फेंटना है। चीनी की मात्रा हमने कम इसलिए रखी है क्योंकि इसमें मक्खन की मिठास, फ्रूट्स की मिठास दोनों ही रहेंगी, इसलिए हमें एक्स्ट्रा मीठा डालने की ज़रूरत इसमें नहीं होगी। ये मक्खन मिठाई मुख्य रूप से ब्रज में रहने वाली चतुर्वेदी समाज की देन है। उन्होंने ही अपने कानों को भोग लगने वाले मक्खन को खास बनाने के लिए उसमें कई सारे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और बना दिया ये मक्खन संदेश मिठाई। आज भी ये मिठाई उनके समाज में होने वाले फंक्शंस में देखने को मिल जाती है। पहले ब्रज की शादियों में ये मिठाई अक्सर रखी जाती थी, वो इसे बर्फ के ऊपर सजाकर रखते थे, पर अब ये मिठाई कहीं भी नहीं देखने को मिलती है। चलिए, बातों बातों में हमारा मक्खन भी हमने अच्छे से फेंट लिया है। मक्खन को आप जितना फेंटेंगे वो उतना ही क्रीमी, फ्लफी, लाइट होता जाएगा। मक्खन अब पूरी तरह से रेडी है हमारा। अब बारी आती है इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने की। यहाँ मैंने कुछ फ्रूट्स लिए हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। अब इन सभी को हम अपने मक्खन में डालेंगे। सबसे पहले हमने डाले हैं सेब, संतरा जिसके पल्प को हमने पीसेस में कट कर लिया था। अब डालेंगे इसमें कटे हुए अंगूर। अब डालेंगे अनार के दाने, प्लम पीसेस यानी आलू बुखारा। अब डालेंगे हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ कुछ कटे हुए काजू लिए हैं। कुछ काजुओं को हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। इसी तरह कटे हुए बादाम, कटी हुई किशमिश, कटे हुए पिस्ते डालेंगे और अब इन सबको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। मथुरा ब्रज के हलवाइयों के अलावा और कोई भी इस मिठाई को बनाना नहीं जानता है। मेरा इस मिठाई की रेसिपी को आपके साथ शेयर करने का एक ही उद्देश्य है कि ब्रज के खोए हुए इस पारंपरिक स्वाद को आप तक पहुंचाना। वीडियो को लाइक और शेयर करके इस स्वाद को आप भी अपने रिलेटिव्स, फैमिली फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। वीडियो को ज़रूर 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 शेयर कीजिए। लीजिए, मक्खन और फ्रूट्स हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं मक्खन का क्रीमी क्रीमी टेक्सचर। अब इस मिक्सचर को हम अपने मोल्ड में भरकर सेट करेंगे। अगर आपके पास किसी तरह का मोल्ड ना हो तो इस तरह का एक बॉक्स या डिब्बा भी आप ले सकते हैं। मैंने इसमें एक बटर पेपर लगा दिया है। अब इसमें हम अपना मिक्सचर अच्छे से फिल कर देंगे।
अब इसे अच्छे से हम चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। मिक्सचर को हमने अच्छे से सेट कर दिया है, अब इसकी गार्निशिंग कर लेते हैं हम। गार्निशिंग के लिए मैंने इसमें डाले हैं कुछ अनार के दाने। अब डालेंगे कुछ कटे हुए पिस्ते। अब डालते हैं कुछ कटे हुए बादाम और अब डालेंगे कुछ कटे हुए काजू। इन सबको अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड करके गार्निश कर लेते हैं। अब एक स्पैचुला की सहायता से इन सबको प्रेस कर देंगे ताकि ये मक्खन में थोड़ा अंदर प्रेस हो जाए और कटिंग करते वक्त ये बाहर ना निकलें। हमारा संदेश अब फ्रिज में जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। इसे हमें लगभग 1 से 1.5 घंटा फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देना है। 1.5 घंटे बाद हमारा संदेश पूरी तरह से रेडी है। अब इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं। मक्खन संदेश हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब साइड से हम बटर पेपर निकाल कर इसके पीसेस कट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा संदेश कितने अच्छे से सेट हो चुका है और कितने आसानी से इसके पीसेस कट हो पा रहे हैं। और इसी तरह हम लंबाई में भी पीसेस कट कर लेंगे। यकीन मानिए अगर आप इस मिठाई को एक बार खाएंगे तो सारी मिठाइयाँ भूल जाएंगे। और ये तैयार है हमारा संदेश। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है अंदर से और बाहर से। ये मिठाई दिखने में जितनी सुंदर लग रही है ना, टेस्ट में उतनी ही लाजवाब है। तैयार है हमारी मथुरा ब्रज की स्पेशल मिठाई। मक्खन की क्रीमीनेस, फ्रूट्स की ज्यूसीनेस, ड्राई फ्रूट्स का क्रंच और केसर का फ्लेवर, इन सब से मिलकर बनी माउथ वाटरिंग हमारी मिठाई मक्खन संदेश। तो मैंने बना लिया है अपना मक्खन संदेश। आप भी बनाइए इस माउथ वाटरिंग मिठाई को और खिलाइए अपने कृष्णा को और एंजॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ। ब्रज की इस मिठाई के साथ अपने अनुभव मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आप किस रेसिपी को मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे बताइएगा ये मिठाई आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक खाइए, खिलाइए और खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।